इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए और नॉलेजेबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें टेक्निकल अनीश को। सो आप लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप भी इस तरह का कुछ ट्रेंडिंग वर्ड्स, ट्रेंडिंग इंट्रो बनाना चाहते हैं अपने वीडियो के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए? दोस्तों, हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम काइन मास्टर है। इसे आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों, जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो हम इस न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हमें साइट चुनने के लिए आ जाएगा। तो हम पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके क्रिएट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्रिएट करते हैं तो हमें बैकग्राउंड चुनने के लिए आ जाएगा। तो पहले वाले ऑप्शन क्लिक करके ब्लैक कलर बैकग्राउंड को चुन लेते हैं और इसके लेंथ को लगभग हमें 15 सेकेंड अराउंड कर देना है। सिंपली हमें वीडियो के शुरू में आ जाना है और सिंपली बैक करके हमें लेयर पे अपने लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके हमें अपने चैनल का लोगो लेना है। हम अपने चैनल का लोगो कुछ इस तरह से ले लेते हैं और इसे सेट करके हम बीचों बीच सेट करके इसके भी लेंथ को हम बैकग्राउंड के हिसाब से रख देते हैं 50 सेकेंड। फिर सिंपली हमें बैग आना है। दोस्तों, अब हमें एक इंट्रो टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। आप इसे भी चेक अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं, नॉन कॉपीराइटेड है। इसे हम उस टेम्पलेट को ले लेते हैं। ले लेने के बाद कुछ इस तरह से हम इसको हल्का सा छोटा करके प्लीज को हम स्प्लिट स्क्रीन पर जा करके इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं और सिंपली बैक आ जाना है। अब हमें क्रोमा की वाले ऑप्शन पे जाना है और इसको इनेबल कर देना है और सिंपली बैक आ जाना है। इनेबल कर दे से हमारा जो ग्रीन कलर था, यहाँ पर जहाँ हमारा लोगो है वहाँ पर ग्रीन कलर था, तो सिंपली रिमूव हो जाएगा। इस पर क्लिक करके हम अपने टेम्पलेट को कुछ इस तरह से सेट नहीं हुआ है इसको सेट कर देते हैं बीचों बीच। इस तरह सेट कर देते हैं। सो फाइनली दोस्तों, हमारा इंट्रो जो है बनकर तैयार हो गया। लेकिन अब हमें जो हमारा बैकग्राउंड है वो कुछ ज़्यादा है, तो इसको हम अपने इंट्रो के हिसाब से सेट करके इसको भी ट्रिम टू राइट कर देते हैं और सिंपली हमें बैक आ जाना है। अब दोस्तों, हमें सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। ये हमें सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, वीडियो पे जाना है और इन दोनों को इनेबल कर देना है और सिंपली हमें बैक आ जाना है। अब दोस्तों, जैसे हम इसे इनेबल किए, अब हमारा इंट्रो बनकर तैयार हो गया। इसे सेव करने के लिए कॉर्नर में दिए गए एरो पर क्लिक करके आप जिस भी रेजोल्यूशन से रुक कर सकते हो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसे 1080p सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम इसे 1080p सिलेक्ट करके फुल हाई कर देते हैं इसकी क्वालिटी को और सेव कर देते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।